मिश्रा सिंह के खुलासे के बाद लोग जानना चाहते हैं कि इस पर पवन सिंह की क्या प्रतिक्रिया है। तो आपको बता दें, हमेशा की तरह इस बार भी पवन सिंह खामोश हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी खामोशी में भी बहुत कुछ छुपा है। भाई पवन सिंह नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पवन सिंह के फैंस अक्षरा सिंह पर भड़क चुके हैं। उनका साफ साफ कहना है कि अक्षरा सिंह बॉलीवुड की राखी सावंत बन चुकी हैं। जब भी उनकी कोई फिल्म आती है या कोई एल्बम आता है, वो सीधे सीधे कुछ ऐसा पवन सिंह के बारे में कहती हैं जिससे मीडिया में बज क्रिएट हो जाता है और उन्हें पब्लिसिटी मिल जाती है। लोग उनके एल्बम या फिल्म को या फिल्म के ट्रेलर को लोग तवज्जो देने लगते हैं। पवन सिंह के कई फैंस ऐसे हैं जो अक्षरा सिंह पे तोहमत तक लगा रहे हैं कि जब वो खेसारी लाल यादव को छोड़ चुकी थी, तब उन्हें सहारा किसी और ने नहीं पवन सिंह ने दिया था, और पवन सिंह ने उनके ही खातिर खेसारी लाल यादव से दुश्मनी भी मोल ली। आज उनके रिश्ते पवन सिंह से खराब हो गए हैं, तो ये कहीं से भी नहीं है कि उन्हें इस तरह से बदनाम किया जाए। पवन सिंह के कई फैंस तो ये भी कह रहे हैं, आज जो स्टारडम अक्षरा सिंह को मिला है उसकी वजह कोई और नहीं पवन सिंह है। पवन सिंह के फैंस यही नहीं रुके, पवन सिंह के फैंस न जाने क्या क्या अक्षरा सिंह को कह रहे हैं। लेकिन पवन सिंह है कि उन्होंने इन सारे मामलों में चुप्पी साधे हुए हैं। आज पवन सिंह देवघर जा रहे हैं, हो सकता है कि उनके फैंस, उनके चाहने वाले इस चीज को लेकर कुछ सवाल उन्हें पूछे तो पवन सिंह कुछ बोले। लेकिन पवन सिंह ने अभी तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, या यूं कह लें कि किसी भी माध्यम से या फेसबुक पर लाइव आकर भी अक्षरा सिंह के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, या इस मामले के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, चुप्पी ही साधी हुई है। अक्षरा सिंह के भी पहले भोजपुरी इंडस्ट्री की कई ऐसी एक्ट्रेस थी जो पवन सिंह के प्यार में पड़ चुकी थी, और उनमें से एक नाम रानी चटर्जी का भी है। लेकिन वो एक वक्त था जब रानी और पवन के रिश्ते बहुत बिगड़ चुके थे। रानी ने इसका खुले तौर पर विरोध भी किया, लेकिन वक्त बीतता गया। आज पवन सिंह और रानी चटर्जी एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। लेकिन यहाँ मानना पड़ेगा, बड़े ही हिम्मत और बड़ी ही बेबाकीपन से अक्षरा सिंह ने अपनी बातों को रखा है। इससे पहले पवन सिंह के खिलाफ किसी ने इतनी ऊंची आवाज में, या यूं कह ले, अपनी बातों को रखने का मादा नहीं रखा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।